उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास पर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये संभव नहीं हो पाया। फिर भी इस वर्ष देहरादून जिले में 2,75,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन निगम की नवीन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 60 करोड़ से अधिक परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए मैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सभी अधिकारियों और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एम्स दिल्ली के परिसर में राजकुमारी अमृत कोर ओपीडी बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस बिल्डिंग में ओपीडी और बुजुर्गों की फिजियोथेरेपी की जाएगी। बिहार के गोपालगंज में सत्तरघाट महासेतु पानी के तेज बहाव के कारण ढह गया है। आपको बता दें कि एक महीने पहले ही 264 करोड़ की लागत से बने इस पुल का उद्घाटन किया गया था। पुल ढहने पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह करार दिया। साथ ही कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ दिखावे के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। सांसद गंभीर ने कहा, आप गाड़ी में बैठिए, हर दूसरा एड केजरीवाल का है। जो पैसा आप अपनी एडवर्टीजमेंट में लगा रहे हैं वो जनता की सेवा में जाना चाहिए। थोड़े महीने पहले आपने बोला कि सैलरी के लिए पैसा नहीं है, फिर बोला दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख मामले हो जाएंगे। हमें आपकी शक्ल देखने की आदत नहीं रही है, 6 साल से हम यही लगातार देख रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने पूरे राज्य में फिर से सभी सरकारी कार्यालयों, दुकानें और धार्मिक स्थल बंद रखने के आदेश दिए हैं। ये पूर्ण प्रतिबंध पूरे प्रदेश में 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक लागू रहेगा। पटना सहित कई जिलों में पहले से ही ये प्रतिबंध लागू है। उत्तर प्रदेश बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को आयोजित की जाएगी। अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग ने लखनऊ विश्वविद्यालय को पत्र जारी करके ये निर्देश दिया है। 5 सितंबर को परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा 21 सितंबर से 18 अक्टूबर तक काउंसलिंग चलेगी। पहले ये परीक्षा 29 जुलाई को आयोजित होनी थी, लेकिन कोरोना संकट के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने मुंबई सीरियल ब्लास्ट के आरोपी और अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के करीबी गुर्गे गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गजेंद्र सिंह सेक्टर 20 का रहने वाला है। गजेंद्र डी कंपनी गैंग का डर दिखाकर पैसे हड़पने और वसूली का काम करता है। नोएडा सेक्टर 20 में दर्ज 2 मामलों में वो फरार चल रहा था। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो बिना किसी शर्त के जेल में कैद भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना ऑफिसर कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस दे। काउंसलर एक्सेस का मतलब है उन्हें भारत के राजनीतिक अधिकारी को जेल में उनसे मिलने की इजाजत देना। पिछले हफ्ते भारत ने कहा था कि वो इस मामले में कानूनी विकल्पों को टटोल रहा है। माइक्रो ब्लॉगिंग ट्विटर पर हुए साइबर अटैक के मामले में ट्विटर ने शुरुआती जांच के आधार पर कुछ अपडेट्स जारी किए हैं। ट्विटर ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि इसकी जांच चल रही है। हमने सोशल इंजीनियरिंग अटैक को डिटेक्ट कर दिया है। ये उन लोगों ने किया है जिन्होंने हमारे कुछ कर्मचारियों के अकाउंट्स को इंटरनल सिस्टम और टूल्स के सहारे सफलतापूर्वक टारगेट किया था।